हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ गेस्ट मेकअप लुक, ठीक है? तो एंड रिसेंटली मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, तो उसमें मैंने एक साड़ी परचेज़ की थी, तो उसका भी रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली आई यूज मॉइस्चराइजर। सो फर्स्टली अपनी स्किन पे मैं मॉइस्चराइजर लगा दूंगी। एक्चुअली मेरी फर्स्ट मेकअप वीडियो है ये। मैंने इससे पहले अभी तक कोई मेकअप वीडियो नहीं डाली है। दैट इज माय फर्स्ट मेकअप वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सो नेक्स्ट इज फाउंडेशन। सो आई एम यूजिंग द मियोन फाउंडेशन। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो अभी मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली कोई आ गया था, सो मुझे ऐसे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा। बहुत सारा फाउंडेशन नहीं लगाना है। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपर बहुत सारा फाउंडेशन लेते हैं और बस उसको ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। डिप डिप करके लगाना है ताकि मतलब कम हो जाए तो हम दोबारा ले सकें, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुत किंकी सा हो जाता है। तो मेरा फाउंडेशन प्रॉपर से लग चुका है और नेक पर लगाना ना भूलें, तो नेक पर भी अपना फाउंडेशन लगाएं। सो वी आर नाउ सेकेंड हम यूज़ करेंगे कंसीलर। ये भी मियोन का कंसीलर यूज़ करती हूँ मैं। सो कंसीलर से पहले ना एक हैक है मेरे पास। वी आर यूजिंग लिपस्टिक फॉर ना कलर करेक्शन से। तो कलर करेक्शन के लिए हम लिपस्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी हो, ऑरेंज, पिंक, रेड। आई एम लुकिंग वेरी फनी, बट उससे आपका जो ब्लैक ब्लैक सा होगा वो हट जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। जहाँ पे आपकी स्किन ब्लैक ब्लैक है वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अंडर आइज में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग द कंसीलर। I'm using another hack. I'm using this lipstick for
ब्लश। हल्का पिंक हो गया है वो, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। सो नेक्स्ट इज़ वी आर यूजिंग आईलाइनर, एंड मुझे लगता है मुझे इसके लिए मिरर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इस पे नहीं देख पाऊँगी अच्छे से। सो वन सेकेंड, आई एम यूजिंग द मिरर। लाइनर इज डन, वी आर डूइंग मस्कारा। As an eyeshadow. सो मैं पहनती हूँ अपनी साड़ी फॉर रिव्यू। सो गाइस, ये है साड़ी, कलर वॉज सो प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड मुझे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होता कि ओ गॉड साड़ी 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 साड़ी, ऐसा नहीं था। मतलब कैरी करने में तो आपको कोई इशू नहीं हुआ एंड लुकिंग वेरी नाइस। So I'm totally satisfied. with this साड़ी। एक्चुअली ये साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर की है। जब मैंने देखी थी तो मैंने अमेज़ॉन पे देखी थी, बट जब मैं इसको परचेज़ करने के लिए गई तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थी। देन मैंने सभी जगह सर्च किया तो फिर मुझे मीशो पे मिली, बट मेरे को श्योर नहीं था कि मीशो की साड़ी होगी अच्छी या नहीं होगी, टेंशन था बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक बार बहुत सारे इसके रिव्यू चेक किए थे तो ठीक ठीक लग रहे थे, बट मैंने प्रे की कि हाँ यार अच्छा ही है, देन मैंने ऑर्डर किया। सो आई एम हैप्पी एंड एक्चुअली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे होता है कि डिलीवरी टाइमिंग बहुत कम है और मीशो पे तो बहुत सारा है, 5-6-7, मतलब कि आपको 1 वीक तो चाहिए चाहिए, और फिर भी कन्फर्मेशन है नहीं कि आएगी या नहीं आएगी। सो मेरी फर्स्ट परचेज है मीशो पर, फर्स्ट नहीं सेकंड, मतलब फर्स्ट ये थी सेकंड ये है। मैंने ये ज्वेलरी भी इसके 2 दिन बाद देखी और वो ऑर्डर की मीशो से, बट जब मैं शादी में पहुंच गई थी आई थिंक उस दिन मेहंदी हल्दी थी तो मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आता कि मैम आपका सामान आ गया है। देन आई एम सेइंग सामान आप गांव तक डिलीवर कर सकते हो तो प्लीज़। देन फिर मैंने रख ही लिया, मैं सोचा था रिटर्न करूँ, बट बहुत क्यूट क्यूट सा है एंड आई थिंक 197 या ऐसे कुछ 117, क्योंकि मेरी फर्स्ट परचेज थी ना तो इसलिए 117 समथिंग का मुझे मिल गया था। तो मैंने सोचा रख लेती हूँ, किसी ना किसी के साथ तो काम हो ही जाएगा। और आप नॉर्मली शॉप पे जाओगे तो आपको कम से कम 200-250 समथिंग का मिलेगा। सो देखो दिस इज हाउ लुक, बहुत प्रिटी है, 100 की रेंज में ही है, मतलब 150 या ऐसा कुछ है। मैं देख के आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। सो मैं इसको इसके साथ पहन के चेक, इट्स लुक लाइक दैट, टू नाइस। एक्चुअली मैंने इयररिंग भी पर्ल वाले पहने हैं तो मैचिंग मैचिंग, बट इसकी इयररिंग पहन के देखते हैं।
इंग्रीडियंट्स मैं बता रहा था, पर तब तक मैंने ऑर्डर कर दिया था एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि फिर मैंने वो दूसरा जो मैंने पहना था वो लिया था. सो दैट्स हाउ इट्स लुक. इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, सो 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 प्रिटी. सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड हाउ इट्स लुक. सो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप परचेज कर सकते हैं इसे मीशो से. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी दोनों का, साड़ी का भी एंड ये का भी. प्रोडक्ट बहुत पसंद आए हैं, अगर आपको भी पसंद आए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो. हेयर आई एम विद द गेस्ट लुक. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टाटा बाय बाय, सी यू. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.